हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डे 13 आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स का। ठीक है, कुछ दिन मैं आउट ऑफ टाउन होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं कि पहले तो मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ठीक है, 12 को 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। 12 सिक्स 72, 12 वन 12, 12 और 7 कितना हो गया 192। ठीक है, साथ में 81 अपॉन 3 कितना हो गया 27, और सबसे पहले हमारे पास 21 भी था। सबको अगर ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 48। 48 को इससे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आगे देख लो, आगे 1024 का अंडर रूट निकालोगे तो 32, 676 का निकालोगे तो ये आ जाएगा 26। ऐड करके बोल रहे हाफ कर दो। ठीक है, ऐड करोगे क्या आएगा 58, 58 का हाफ 29। क्वेश्चन मार्क को मैंने मान लिया एक्स, इन दोनों को ऐड करोगे 32 और 45 कितना हो गया 77, यानी कि ये आ गया 377। इसको डिवाइड करोगे यानी कि 377/29। देखो अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो हमें पता 9 3 27 होता है, तो लास्ट में 3 आना चाहिए, तभी तो 27 आएगा इधर ऊपर। तो लास्ट में 3 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, जहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो यही मेरा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, 14 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, क्या आ गया 280। ठीक है, बट ये माइनस का, ये ध्यान रखना। 759 माइनस 280 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 को डिवाइड करोगे 576 से, 12 चौक 48, ठीक है, और 96 यानी कि 12 8 96, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 240। 240 ये वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी कि इधर आके कितना हो जाएगा 520। 759 में से 520 के कितना बच गया 239, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, 576% का अंडर रूट, इसका अंडर रूट होगा 24, 24% ऑफ 500 यानी कितना आ जाएगा 12, 120। फिर 450 अपॉन एक्स जो है ना उसकी पावर 1/4 है, ठीक है, इक्वल्स टू 18 × 15, 15 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 30, 30 × 9 कितना आ गया 270, क्लियर है। ठीक है, 120 में से 270 क्या कितना बच गया 150, 150 को इधर कट करोगे कितना आ जाएगा 3। अब 3 की मुझे पावर 4 करनी है, क्योंकि अगर ये वैल्यू इधर आएगी तो पावर 1/4 है एक्स की, तो 3 की 4 करनी पड़ेगी। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब इसको देख लो, 400 का अंडर रूट 20, इसका क्यूब रूट आ गया 5, ये कितना हो गया 100। अब इस 100 का भी उसने बोला अंडर रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10, 10 × 24 यानी 240, 240 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1728 का क्यूब रूट कितना आएगा 12 आएगा, कट करोगे 20 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देख लो, 2021 का अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट होता ही नहीं है, हाँ पर 2025 का होता है, कितना हो जाएगा 45, 539 ये होता है 23, ठीक है, 23 × 15 और यहाँ पे है 14 × 45। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो 90, 90 × 7 कितना हो गया 630। 23 को 15 से करना है, ठीक है, 23 × 15, 15 को 3 से करोगे 45, 2 से करोगे तो 30, 30 में 4 जोड़ो 34, यानी कि इसको 3, 4, 5 से माइनस करना है। अब माइनस कर लो, ओ, एक मिनट, प्लस करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना, प्लस करना है, प्लस कर लो, 975 आ रहा है, सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 27 का स्क्वायर निकालना है, यानी 729 इंटू में क्या है 28 अपॉन है 21, 21 से डिवाइड करोगे यानी कि क्या बोलते हैं उसको, 4 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, 7 के टेबल पे जाएगा, ठीक है, 7 ये हो जाएगा, 7 4 28 ये हो जाएगा 3 पे, और जो ये 3 बच गया ये 729 को भी कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा 243, 243 × 4 कितना आ जाएगा 24 को 4 से करोगे तो 96, यहां से एक कैरी गया तो 972। प्लस में क्या लिखे, अच्छा ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये होगा 11 और यहाँ पे क्या लिखा 17 प्लस में, और इधर आके 11 हो जाएगा माइनस, तो 17 में से 11 का 6 यानी कितना बच गया 978। अब 978 का अंडर रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर मान लो, तो 978 के आसपास कौन सा स्क्वायर आ रहा है, 961 आता है, ये किसका होता है 31 का, 31 का स्क्वायर होता है 961, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर।
क्या कह रहा है 35% निकालना है 220 का, 220 को पहले डबल कर दो, वो 35 को पहले डबल कर दो, कितना आ गया 70, इधर क्या बच गया 220 की जगह हो गया 110, मल्टीप्लाई करोगे 77 प्लस 45% निकालना है 260 का, पहले डबल कर दो, यानी 90 × 13 कितना आ गया ये 117, ऐड करोगे 194, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इसमें इसका क्या अंडर रूट आएगा 29 प्लस और प्लस बोल दिया इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 28 को डिवाइड करोगे 7 से यानी 4 आएगा, इंटू में 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7570 का अंडर रूट। अच्छा ठीक है, मुझे पता है 7225 का अंडर रूट क्या होता है 85, ये 85 से थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है इसका अंडर रूट मुझे पता है पर ये 85 से थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो मैं मान लो 87 के आसपास होगा, 87 ही मान लेता हूँ, तो ये क्या आ गया 4 × 87, यहाँ पे 29 कट जाएगा 87 से सीधा सीधा। अच्छा अगर नहीं पता चल रहा कैसे माने, हम 86 भी मान सकते हैं, तो देखो जो भी मानोगे 29 उससे कटना चाहिए, तभी तो एक्स का अंडर रूट निकालोगे, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, तो 2987 पे ही कटेगा, कहाँ पे कटेगा 3 पे कटेगा, क्लियर है। अच्छा एक मिनट, इसकी वैल्यू, हाँ ये वैल्यू भी लिखोगे ना साथ में इंटू 3, ठीक है इसका तो लिख दिया वो लिखा नहीं था, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 × 12, 12 × 3 = 36, 36 का अंडर रूट कितना निकालोगे 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 27 का स्क्वायर फिर से 729, माइनस 15 का स्क्वायर 225, माइनस 22 का स्क्वायर 484, इन दोनों को पहले माइनस कर दो, 29 में से 25 गया 4, यहाँ पे बच गया 5, 504 में से ए 484 गया, पहले तो 4 4 माइनस कर दो, 500 में से 480 गया 20 आ गया, यानी ई ऑप्शन इज द आंसर। अच्छा अब आ गए हम अरिथमेटिक पे, क्या कह रहा है, एक बंदा है शिव, एक है हमारे पास, एक शिव है एक है वैश, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट कर दी 78,000 और 22,000 रिस्पेक्टिवली, क्या रहा उसके बाद में उन्होंने ना जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का पहले उन्होंने एक्स परसेंट डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद जो भी बचा अमाउंट आपस में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद पता लगा कि जो शिव को पैसे मिल रहे हैं ना, वैश को जो पैसे मिल रहे हैं वो शिव से इतने ज्यादा है, 1120 ज्यादा है, तो पहले रेशियो निकाल लोगे 78,000 और 92,000, रेशियो निकालोगे क्या आएगा 39:46, क्लियर है, इससे आगे कटिंग नहीं होगी। अच्छा तो वैश के कितने ज्यादा आ रहे हैं 7 ज्यादा आ रहे हैं, 7 की वैल्यू कितनी है 1120, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 160, ठीक है एक की वैल्यू 160 हो गई। अब क्या कह रहा है कि मुझे क्या फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है अगर एक की वैल्यू 160 है तो ये देखो ये टोटल कितना आ रहा है, इसको अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 85, ठीक है तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 160 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 17, यहाँ पे क्या बचेगा 8, यानी 80 प्लस 56 यानी कि 136,00, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ उनको एक्स परसेंट छोड़कर जो उन्होंने आपस में डिवाइड किया वो ये है 13,600, ठीक है अब ये देख लो कि 13,600 जो उन्होंने प्रॉफिट डिवाइड किया है वो टोटल से कितना कम है, 16,000 था टोटल प्रॉफिट उससे कितना कम है, उससे ये कम है 401, 2400 कम है, और ये 2400 देख लो 16,000 का कितना परसेंट है, ठीक है 0 0 कट गई, ये 0 यहाँ पे कट गई, 16 बच गया, 4 4 16 4 6 24, 60 / 4 कितना होता है 15, यानी 15% आंसर आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या कह रहा है, देर आर 18, अच्छा देख लो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 ना पाइप्स हैं, इनलेट पाइप्स हैं, 18 इनलेट पाइप्स नहीं 18 टोटल पाइप्स हैं, जिसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट आउटलेट है, ठीक है इनलेट पाइप जो किसी सिस्टम को फिल कर देंगे 20 आवर्स में, आउटलेट क्या करेंगे आउटलेट ऑब्वियसली ड्रेन करेंगी, कितने टाइम में ड्रेन करेंगी 45 आवर्स में, कह रहा है कि हमने फाइंड करनी है कि आउटलेट पाइप्स कितनी है, टोटल तो 18 है पर आउटलेट्स की कितनी है, ठीक है और कह रहा है कि ये दोनों अगर मिलके टैंक को 180/90 आवर्स में फिल कर देंगे, क्लियर है सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो एलसीएम निकाल के, एलसीएम क्या कितना आएगा 45, देखो सबसे बड़ी वैल्यू 45 में क्या 2 है, यहाँ पे जो 2 है 2 × 10 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है
यहाँ पे टू दो बार आ रहा है क्योंकि टू इंटू फाइव, फाइव तो है ही है, ये दो बार तो नहीं आ रहा, यानी दो बार दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एलसीएम कितना आ गया 180, ठीक है 180 मेरा आ गया एलसीएम। अब देख लो एफिशिएंसी देख लो, ठीक है ये आ गई 9, ये आ गई 4, एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 9:4। अब ध्यान से देखना, मेरे पास मैं लेट कर लेता हूँ कि इनलेट पाइप एक्स है, ठीक है अगर इनलेट पाइप्स मेरे पास एक्स है तो टोटल कितना आ गया ये 9x, ठीक है अच्छा, और आउटलेट पाइप कितनी है, आउटलेट पाइप मेरे पास है कितनी हो जाएंगी 18 माइनस एक्स, और आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और 4 कहाँ पे माइनस में 18 माइनस एक्स, ठीक है ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 180/19 के इक्वल आएगा। यहाँ पे नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मैंने एफिशिएंसी निकाल दी, एफिशिएंसी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी निकाल दी, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, टाइम कितना था 180/19 इक्वल्स टू क्या आ गया वर्क, वर्क कितना निकाला मैंने 180 निकाला भी एलसीएम लेके, तो ये आ गया 180, ठीक है यहाँ से 180 और ये 180 कट गया, ठीक है अब क्या बचेगा 9x -72 प्लस 4x इक्वल्स टू ये 19 ऊपर चला जाएगा, कितना बच गया 19, ठीक है 9x और 4x कितना हो गया 13x, 72 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 89 बोल दिया 91, ठीक है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये क्या आ गया x, ये आ गई इनलेट पाइप, मुझे निकालनी आउटलेट, तो आउटलेट क्या आ गई 18 माइनस एक्स यानी कि 11 आ जाएगी, 18 माइनस 7 कितना आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, क्लियर है। अच्छा आगे इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, एक शर्मी है वो क्या कर रही है, मैराथन प्लान किया उसने, उसकी स्पीड मुझे दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, उसने 200 किलोमीटर दौड़ना है, ये है रहा 200 किलोमीटर दौड़ना है, 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, पर बात क्या है कि मैराथन में वो हर 6 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट लेती है, तो मुझे टोटल टाइम फाइंड करना, ठीक है देखो टोटल टाइम दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक तो वो पार्ट जहां पे वो रन करेगी या दौड़ेगी, एक वो पार्ट यहां पे वो रेस्ट करेगी, पहले मैं रन वाला निकाल लेता हूं, अगर 200 का डिस्टेंस है 8 की स्पीड है तो कितना आ गया 200 का हाफ 100 का 150 150 का 25, यानी 25 मिनट तो उसको दौड़ने में लगेंगे, मिनट बोल दिया 25 आवर तो उसको दौड़ने में लगेंगे, अब रेस्ट का निकाल लो, हर 6 किलोमीटर के बाद अगर वो रेस्ट करती है तो देख लो 200 किलोमीटर में कितनी बार 6 किलोमीटर आ रहा है, ये आएगा 6 × 3 = 18, फिर आएगा 6 × 3 = 18, यानी 200 किलोमीटर में 33 बार 6 किलोमीटर पा रहा है, और 33 बार में वो हर बार 12 मिनट रेस्ट करती है, तो मल्टीप्लाई कर दो 12 × 3 = 36, फिर 36 × 3 = 39, 396, और मुझे पता है 360 आवर को मैं 6 आवर, 360 जो मिनट है उसको मैं क्या बोलूंगा 6 आवर, एक्स्ट्रा कितने बच गए 36 मिनट्स, ठीक है तो 6 आवर इसमें ऐड कर दो कितना आ गया 31, और 36 मिनट को कैसे लिखोगे आर में 60 से डिवाइड कर दो ये क्या आ जाएगा 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो ठीक है क्या कह रहा है, एवरेज हाइट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक टीम है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज रहे होंगे ठीक है, उनकी ए मान लो तो कुछ एम्प्लॉयज है जिनका एवरेज एज दिया मुझे 160, ठीक है मान लो ऐसे कुछ एम्प्लॉयज है ठीक है एक सेकेंड, कुछ एम्प्लॉयज है इनकी एवरेज एज है 162। अब क्या कह रहा है अगर 12 एम्प्लॉयज यहाँ पे एड करती है और ठीक है तो एड नहीं किए बल्कि 12 एम्प्लॉयज जिनकी एवरेज एज 166 है, 12 एम्प्लॉयज जिनकी एज 166 है अगर वो कर गए लीव ठीक है, और इनकी जगह पे 8 एम्प्लॉयज आ गए दूसरे जिनकी एवरेज एज कितनी है 164.5, तो ये जो जितने भी बंदे हैं उनकी एवरेज एज 0.5 कम हो जाएगी ठीक है, ध्यान से देखना अब 12 बंदे जिनकी एवरेज 166 है यानी कि कितने का गैप आ रहा है 4 का गैप आ रहा है, यानी कि 12 बंदे हैं एक बंदे में 4 का गैप आ रहा है यानी कितना आ रहा है टोटल 48 का, यानी कि जब ये 12 बंदे निकलेंगे तो
यहाँ से 48 की जहाँ पे जो 48 इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हुई है, 162 तो इन सबके पास है, 12 के पास, चार इनके पास एक्स्ट्रा है, यानी कि ये चार किसी ने किसी को दिया होगा ताकि उसकी भी एज एवरेज एज 162 हो जाए, यानी कि ये अपना 48 बाहर ले जाएंगे, क्लियर है इतनी सी बात। देन जब ये 164.5 वाले आएंगे, यानी ये 2.5 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, कितने लेके आएंगे, 8 लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करोगे 20, यानी कि 48 निकल गया, 20 आ गया, यानी 28 माइनस हो गया, यानी टोटल जितनी भी एज होगी, हाइट होगी, उसमें से 28 माइनस हो गया। बट हमें क्या बोल रहा है कि 0.5 से एवरेज कम हुई है, यानी 0.5 की वैल्यू कितनी है, 28, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56, यानी ये नंबर है पीपल 56। बट ये नंबर तब है जब 12 गए और 8 आए, 12 गए 8 आए, यानी चार कम हो गए, तो चार बढ़ा दो तो कितना आ गया, 60, यानी पहले मेरे पास कितने लोग थे, 60 लोग थे, क्लियर है। आगे वाला देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कंटेनर है जिसमें एक मिल्क है और एक वाटर है, दोनों की रेशियो मुझे दी हुई है 37:15। क्या कह रहा है, अब इफ द टोटल क्वांटिटी मुझे दी, उसने बोल दिया 312 लीटर्स है, ये टोटल क्वांटिटी। कह रहा है इफ के लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर के लीटर बाहर निकाल दिया तो जो पानी की फाइनल क्वांटिटी है वो कितनी रह जाएगी, 60 लीटर। मुझे फाइंड करना है कि कितना मिल्क रिमूव हुआ कंटेनर से, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले तो ये रेशियो देख लो, ये किसके आएगा, ये 52 के इक्वल आ रही है, ठीक है, 52, यानी 52 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 312, तो इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, इसको करोगे तो क्या आएगा, 90, इसको करोगे अगर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 222 आएगा, ठीक है, तो क्योंकि मैंने 312 से सीधा 90 माइनस कर दिया, 222 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से कुछ के लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, माइनस हो गया के, ध्यान से देखना, यहां से ये वैल्यू 90 से 60 हो गई, ठीक है। अच्छा, के लीटर अगर बाहर निकाल भी दोगी तो दोनों का रेशियो तो सेम ही रहेगा, रेशियो तो 37:15 ही रहेगा, ये 15:60 हो गया, यानी कि इंटू फोर हो रहा है, तो यहां भी इंटू फोर हो जाएगा, इंटू फोर अगर यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 120 और 28 कितना हो गया, 148, ठीक है। तो अब देख लो कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप देख लो कितने का आ रहा है, 52 और 22, यानी 74 का गैप आ रहा है, 74 का गैप आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, एक काम को जो पी है वो 28 दिन में कर सकता है, क्यों, उसी क्यों उसका 40% एफिशिएंट ज्यादा है पी से, अगर पी की एफिशिएंसी 5 है तो क्यू की 40% ज्यादा, यानी कि 7 है, अगर एफिशिएंसी की रेशियो 5:7 है तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी, 7:5, यहाँ पे 7 की वैल्यू 28 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, ये 20 किसके लिए आया, क्यू के लिए, ठीक है। कह रहा आर भी सेम काम को कर सकता है पी से एक्स डेज ज्यादा में, यानी अगर पी 28 में करता है तो आर 28+x में करेगा, और जो क्यू और आर टुगेदर है वो 12 दिन में काम कर लेंगे, क्यू का तो मुझे पता ही 20 दिन में, क्यू प्लस आर 12 दिन में कर लेंगे, इन दोनों को देखो, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा, यानी वर्क मेरा 60 हो गया, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 3, क्यू और आर दोनों की मिला के आ गई 5, यानी कि आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, यानी आर को कितना टाइम लगेगा, आर को लगेगा 30 डेज, 60/30, यहाँ पे कितना बोला है 28+x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, मुझे क्या बोला फाइंड करने के लिए, 4x² + 17, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 4 * 4 16, 16+17=33, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, दो ट्रेन्स है, एक जिनकी लेंथ सेम है और जिस वो प्लेटफॉर्म पे है वो भी सेम लेंथ के है, ठीक है, टू ट्रेन्स पी क्यू एंड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन इन सेम लेंथ, कह रहे पी क्या करेगी 42 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी और जो क्यू है वो 56 सेकंड में क्रॉस करेगी, तो अगर ये दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो ईच अदर को, देखो ईच अदर को क्रॉस करना यानी कि ओपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ध्यान से, पी लेगा 42 सेकंड, क्यू लेगा 56 सेकंड, ठीक है, या तो क्या कर सकते हो, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको डिस्टेंस मार लूंगा, ठीक है, और दोनों की टाइम दिया हुआ है
दोनों का टाइम निकाल के मैं पहले स्पीड फाइंड कर लूंगा फिर आगे कर लूंगा, या फिर मेरे पास ना टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक बंदा किसी काम को इतने टाइम में करेगा, एक बंदा इतने टाइम में करेगा तो साथ में कितने में करेंगे, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 98, ठीक है। 98 सेवन से कट करोगे 14 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, फिर सेवन से कट कर दो ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, 6 एट 48, 48.2 कितना आ गया 24, यानी 24 सेकंड्स लगेंगे, क्लियर है। अदरवाइज वो मेथड वाला भी कर सकते हो, ट्रेन वाला जो हम स्पीड डिस्टेंस वाला लगाते हैं, पर उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, अ टूरिस्ट बोट गोज टू ए पार्क सिचुएटेड इन अदर साइड ऑफ द शोर, स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 30 एंड स्ट्रीम इज 12, ठीक है। बोट की स्पीड मेरे पास कितनी आ गई 30, वोटर की स्पीड कितनी आ गई 12। कह रहा है अगर यहाँ से कोई बोट यहाँ पे जा रही है और फिर वापस आ रही है तो 6 घंटे लगेंगे टोटल, और वापस आने से पहले ना वो बोट यहाँ पे 35 मिनट का रेस्ट करती है, ठीक है। यानी कि आने जाने में कितना टाइम लग गया, 6 आवर माइनस 35 मिनट्स, ठीक है। 6 आवर में कितने मिनट्स हो गए, 6 36 यानी 360, 360 में से 35 गए कितना बच गया 325 मिनट, और आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यानी 325/60, ठीक है, ये तो मेरा आ गया टोटल टाइम। अब ये टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जो कि हमें फाइंड करना है, अपॉन पहले अपस्ट्रीम स्पीड, यहाँ पे मुझे दिया 30 और 12, माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 30 और 12 को 18 आएगा, प्लस डी अपॉन प्लस करोगे तो क्या आएगा 42 आएगा, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे आ गया 325/60, डी को निकाल दिया मैंने कॉमन, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे 42 में 3 आ रहा है, और 42 क्या हो जाएगा 3 × 7 × 2, इसमें 3 × 2 यानी 6 आ रहा है, अगर एक 3 और मिल जाए तो ये एलसीएम हो जाएगा पूरा, 18 भी आ जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा एलसीएम क्या आ गया 126। अच्छा 126 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 21, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा ये मेरा 18 से अगर इसको डिवाइड करो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आएगा एलसीएम लेके 3, ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 10 आ गया ऊपर, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 325/60 इज इक्वल टू डी इंटू 10/126, क्लियर है। यहाँ पे ये 6 को कट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 21, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 325/21/100 इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है। अब 325 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से करो तो क्या आएगा 6500, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 325 ही आएगा, 325 ऐड कर दो इसमें क्या आ गया 6825, 100 से डिवाइड करना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 68.25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, एक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, कह रहा है मिस्टर कनित हैं, उन्होंने स्पेंड किया 35% ऑफ सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में 35% डाल दिया, 100 में से 35% इधर गया, कितना बच गया 65, कह रहा आउट ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 65, इस 65 में से उन्होंने 15% लगा दिया चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 20% निकाल दिया उन्होंने मेडिसिन पे, एक्स परसेंट निकाल दिया ट्रांसपोर्ट पे, और सेम एक्स परसेंट उन्होंने निकाल दिया इंटरनेट पे, इंटरटेनमेंट पे, कह रहे उनके पास जो अमाउंट बच गई है ना वो हाउस होल्ड वाली अमाउंट से 4140 कम है, यानी कि 35% से 4140 कम है, और कह रहा उनके पास जो टोटल अमाउंट जो उनकी सैलरी है वो कितनी है 72,000, ठीक है। तो पहले ये निकालो ये जो अमाउंट कम बच गई है ना 4140 वो 72,000 का कितना परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज है, देखो अगर मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है इसको अभी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ी टफ हो जाएंगी अदरवाइज, ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5.75%, ठीक है,
यानी कि ये वाली जो वैल्यू आएगी मेरी डिवाइड करके 5.75% आएगा। ठीक है चलो आगे देख लो अब क्या करेंगे, यानी कि 35 में से क्या गया 5.75, 35 माइनस 5.75 ये कितना हो जाएगा 5 गया तो 30, ये गया यानी कि 29.25%। ठीक है परसेंटेज किसका, ऑब्वियसली 72,000 का। ठीक है अब ये वैल्यू इक्वल किसकी है, ये वैल्यू इक्वल है जो रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालोगे, उसने बोला था 35% खर्च कर दिया हाउस होल्ड में, कितना बच गया 65, 65 में से भी उसने खर्च कर दिया 65% का, एक तो 15% खर्च कर दिया एक 20 कर दिया, यानी टोटल कितना कर दिया 35 कर दिया 35। ठीक है ये आ गई वैल्यू एक, और साथ में 65% का एक्स और एक्स भी है, इसको मैं अलग से लिख लूंगा, ये क्या हो जाएगा 2x%। क्लियर है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 29.5 के। ठीक है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे 35 और 65 को तो क्या आएगा, 35 को 65 से करना है, 65 को मैं 35 प्लस 30 लिख लेता हूँ, मुझे पता है ये कितना आ जाएगा 3×12=25 और ये हो जाएगा 1050। 35 × 3 = 105 होता है तो 1050 यानी ये आ गया 2275, यानी कि परसेंटेज में क्या आएगा 22.75। और 65 में से अगर मैं 22.75 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 23 माइनस कर दो पहले सीधा, 23 माइनस करोगे तो क्या आएगा 42, बट 0.25 एक्स्ट्रा दिया तो वो साथ में लिख दो। ठीक है जहां पे 65 का 2x% कितना हो गया 13x, साइन कौन सा आएगा माइनस का 13x, ये वैल्यू कितनी है 29.25। अब इस वैल्यू को 29.5 वाली वैल्यू को इधर ले आओ और इस वैल्यू को उधर ले जाओ तो 13x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 ही आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज था ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगी, यानी x मेरा 10% आ रहा है। अगर x 10% आ गया तो मुझे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, वो कितना है 2x, यानी 2x की वैल्यू क्या हो गई, यानी 2×10 20%, 20% किसका, 20% मैंने अभी बोला था 65 का है ये, 20% ऑफ 65% ऑफ 72,000। क्लियर है इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 13 को मल्टीप्लाई कर दो 72 से, 13×2 कितना हो गया 26, 13×7 होता है 91, 91 और 2 कितना हो गया 93 और साथ में एक जीरो आएगा 9360, ये मेरा आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लंबा है मानता हूँ, बट अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वैल्यू से हम इसको नहीं कर सकते, वैल्यू से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, परसेंटेज से ही करेंगे। अच्छा आप देख लो नंबर सीरीज, मुझे दिया 12, 30, 60, (?) 90 और 45, ये वैल्यू तो हाफ हो रही है पता लग रहा है, ये डबल हो रही है। अच्छा ये डबल हो रही है तो ये 3 times तो हो नहीं रही, 2.5 times हो रही है, ये 2 times हो रही है, अच्छा ऑब्वियसली ये 1.5 times हो गई, यानी ये भी 90 होगा, ये 1 time हो गया और उसका हाफ टाइम हो गया, यानी कि 90 इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देख लो, ये आ गया 2, ये आ गया 20, ये आ गया 41, ये 67 (?) और 136, इसका लॉजिक थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक्स है। ठीक है शायद किसी ने पढ़ा हो, शायद किसी ने ना पढ़ा हो, सबसे पहले माइंड में यही आएगा कि यार डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ये आ गया 21, ऐसा लगेगा जैसे 3 का गैप है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 26 है। ठीक है ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है और यहाँ पे 7 का होना चाहिए, अगर यहाँ पे 7 का गैप है तो यहाँ पे 33, यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे क्या आएगा 100, पर ध्यान से देखना आगे, अगर यहाँ पे 7 का गैप है तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए 3, 5, 7 यानी 9 ऐड करोगे कितना आ गया 42, क्या ये 42 का गैप जा रहा है, नहीं जा रहा। अच्छा 9 की जगह अगर मैं 11 भी ले लूँ, प्राइम नंबर वाला लूँ तो भी नहीं जाएगा। ठीक है तो क्या करोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे है 136, यानी ये लॉजिक तो गलत है। एक्चुअल लॉजिक क्या है, इस 18 को कैसे लिख सकते हैं हम 17+1, 20 को कैसे लिख सकते हो 19+2, इसको कैसे लिख सकते हो 23+3, इसको क्या लिखोगे यहाँ पे जो नंबर आएगा 29+4 यानी 33 का जो भी गैप है। ठीक है ऐसा मैंने क्यों लिखा, प्राइम नंबर प्लस 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है तो आएगा तो यहाँ पे 100 ही,
लॉजिक इस वाले से, मान लो कभी यहाँ पे 100 दिया हो और बोला हो ये नंबर फाइंड करो, तो पुराने वाला लॉजिक फेल हो जाएगा, ये वाला लॉजिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक क्या बन जाएगा, 31 + 5 यानी क्या हो गया 36, 36 ऐड करोगे तो क्या आ गया 136 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देख, अब इसमें क्या, अच्छा ये तो सिंपल ही है, यहीं से बता देता हूँ। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 85 का, यहाँ पे 75 का, यहाँ पे 65, यहाँ पे 55, आगे आएगा 45 का, यानी 340 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे रहा 2, 3, 7, 16, 32। पहली झलक में देखने से ऐसा लगता है कि डबल हो रहा है, पर डबल तो है नहीं, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है। तो क्या करोगे, पहले डिफरेंस ही देख लो, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 16 का। अब नजर आ रहा है कि स्क्वायर नंबर चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 25 का, तो ये हो गया 47 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर, तो 57 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर का है, ठीक है, पहले वाले मिसिंग के थे, ये रॉन्ग का है। 9, 26, 45, 68, 96 और 128, ठीक है, गैप वाला ही मामला लग रहा है, देख लेते हैं। 9 माइनस करोगे 17 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, फिर गैप आ रहा है आपका 23 का, ठीक है, प्राइम नंबर लगता लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8 और ये आ गया 28 आ रहा है, 28 तो भाई हो नहीं सकता, प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए, यानी ये नंबर 96 की जगह 97 होना चाहिए, तभी 29 का गैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 31 का गैप आएगा, तो 128, यानी 97 आंसर आएगा, 96 वाला गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, एक दो दिन वीडियो नहीं डाल पाया, आउट ऑफ टाउन गया था, आगे से टाइम पे डालूंगा, और अगर वीडियो शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए आप सबका थैंक्स।